इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां माफिया बृजेश सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें, बहुचर्चित सिंह करौरा नरसिंहार मामले में बड़ी राहत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह को कर दिया था बरी। ट्रायल कोर्ट को फैसले के हीरावती देवी ने दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को माना सही। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में माफिया को बरी कर दिया गया है। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, 37 साल पहले एक ही परिवार के साथ लोगों की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ था यह हत्याकांड। बृजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा। निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी बृजेश सिंह हुआ बरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, निचली अदालत में इस हत्याकांड में बृजेश को बरी कर दिया गया था, और इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी जो नरसंहार पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से, और इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, और फिलहाल आज उसका फैसला कोर्ट ने सुना दिया, और जिसमें बृजेश सिंह को फिर एक बार राहत मिली है। निचली अदालत में हालांकि इनको बरी किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आज बृजेश सिंह को बरी कर दिया। तो कह सकते हैं ये इनके लिए राहत भरी खबर है। हालांकि इसमें जो चार लोग जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उन्हें जरूर आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, लेकिन ये जरूर है कि बृजेश सिंह को न सिर्फ निचली अदालत से राहत मिली थी, जिसको एक तरह से चुनौती दी गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उन्हें बरी करके उन पर मोहर लगा दी है। ये कह सकते हैं कि बृजेश को राहत मिली है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है, अभी वो इस पूरे मामले पर कोर्ट के आर्डर को देखेगा। जो हमारी वकील से बात हुई, उनका कहना है कि हो सकता है कि वो ऊपर की अदालत में इस मामले में एक बार फिर अपील करें, लेकिन इतना जरूर है कि आज बृजेश सिंह को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से नरसंहार हुआ था, सात लोगों की हत्या की गई थी, इस पूरे मामले में इनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट में पूरा मामला चला तो बृजेश सिंह को उसमें बरी कर दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख उसने किया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, और पिछले दिनों सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब इस पूरे मामले में जो फैसला आया है, उसमें बृजेश सिंह को एक तरह से कह सकती बड़ी राहत दी गई, और उन्हें यहाँ भी बरी कर दिया गया, तो ये कह सकते हैं कि बृजेश के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो इस पूरे मामले पर अभी भी मंथन करेगा, और हो सकता है कि ऊपर की अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाए। जी जी रिजवी, 37 साल पहले का ये मामला बताया जा रहा है, तो मामले में किन किन लोगों की हत्या हुई थी? देखिए, इस पूरे एक पूरा परिवार है, इसमें बच्चों से लेकर के पुरुष और महिलाएं, इनकी हत्या की गई थी। सात लोग थे जिसमें ये जघन हत्याकांड किया गया था, जिसमें चार लोगों को नामजद किया गया था, और कुछ अज्ञात लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे। इसी मामले में बृजेश सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। लीलावती जो उस परिवार की महिला है, उनकी तरफ से ये हाईकोर्ट में अपील की गई थी, इनके पति सहित इनके परिवार के और लोगों की जो हत्या हुई थी उस पर इनकी तरफ से ये अपील की गई थी, जिस पर कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई की थी। इनकी तरफ से इनको आरोपी माना जा रहा है और बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में इनके खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं पेश हो सके, और इसकी वजह से जो ट्रायल कोर्ट में इनके फेवर में फैसला आया था, इनको बरी किया गया था। दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस निचली अदालत के फैसले पर एक तरह से मोहर लगा दी और इन्हें बरी कर दिया। पीड़ित परिवार हालांकि अभी इस बारे में आर्डर मिलने के बाद आगे निर्णय करेगा कि वो ऊपर की अदालत में जाता है, लेकिन चार लोग जरूर इस मामले में उनको पनिशमेंट जरूर हुई है जीवन कारावास की, उनको नामजद किया गया था, FIR में उनके नाम थे, उनके खिलाफ सबूत साक्ष्य मिले हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा दी गई, लेकिन बृजेश सिंह को कहीं ना कहीं राहत मिली है, और उन्हें फिलहाल निचली अदालत की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
आपको बता दें कि 37 साल पहले ये मामला था जिस पर आज सुनवाई हुई है और माफिया ब्रजेश सिंह को रिहा कर दिया गया है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां राकेश टिकैत ने फिर से कहा आंदोलन की बात, कहा इस सरकार में किसानों को आंदोलन की जरूरत है, किसानों को आंदोलन के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। इंडिया वॉइस से भी राकेश टिकैत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस वक्त राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है जहां राकेश टिकैत ने कहा कि बिना धरना प्रदर्शन के किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला। राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम बड़े दिन पर संभल के चंदोसी में और यहाँ पर आए हुए हैं राकेश टिकैत, हम उनसे बात करेंगे, किसानों के बारे में आए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब आपका। आए हैं तो क्या संदेश देना? देखो संदेश ये है कि लोग इकट्ठा होते रहे, अपनी मीटिंग करते रहे, जो समस्या है जैसे अभी किसान का सर्कुलेट नहीं बढ़ा लेकिन शहर का सर्कुलेट जरूर बढ़ रहा। किसान की जमीन लूटने का प्लान बन रहा हो, सड़क के नाम पर हो, उद्योग के नाम पर हो, प्राइवेट कोई इंडस्ट्री लगाना हो तो उसको सबको लूट कर सरकारें देती है। यहाँ पे भी सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा लेकिन सर्कुलेट नहीं बढ़ रहा, बाजार भाव ज्यादा है, सर्कुलेट कम है, ये बड़ी समस्या है। उनका कहना, बीजेपी वालों का कहना है कि आप राजनीति ज्यादा करते हैं या किसानों के साथ कम है, क्या किसानों के लिए क्या किया आपने? हम तो किसान का मूवमेंट करते हैं, अपनी बात हम रखते हैं सरकारों के सामने, उसके लिए आंदोलन करते हैं। कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार के हैं, किसानों के लिए हम आय दे रहे हैं, जो क्या दे रहे हैं, कहते हैं हम पैसे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं खाते में पैसे, फ्री में ही दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं खाते में पैसे। भाई ये झूठ बोलने में माहिर है, अबे खाते में बिना ही मतलब पैसे दे रहे, गन्ने का भुगतान भी नहीं दुआ रहे, फसलों का दाम भी नहीं दे रहे, MSP गारंटी कानून भी नहीं दे रहे। MSP गारंटी कानून देना चाहिए देश में बने, जो सरकार का रेट है व्यापारी को व्यापार कर रहे तो कम पे खरीदना करें। 2024 का चुनाव है तो आप क्या किस तरीके से उन्हें डील करेंगे? अभी चुनाव जब आओगा जब बताऊंगे, चुनाव आने आप उनका आंदोलन किस तरह से करेंगे? आंदोलन चुनाव का आंदोलन तो नहीं, हम नहीं करते चुनाव में, तो जिन पार्टी को चुनाव लड़ना वे अपना काम, बीजेपी का समर्थन करेंगे? नहीं, हमारा अभी इस तरह का कोई वो नहीं है कि समर्थन करेंगे, अभी कोई ये सवाल नहीं है कि हम समर्थन करेंगे, जब हम दूसरों का नहीं करते तो इन्हीं का क्यों करेंगे। बीजेपी वालों का कहना है कि आप कांग्रेस के कहने में चल रहे हैं, कांग्रेस वाले कहा उन्हीं से मिलवाए तो हमको, हम तो उनसे भी मिल लेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह से आपका आंदोलन करा था तो उन्होंने पूरा समर्थन किया था आपका, उन्होंने से लेकर बीजेपी वालों ने भी करा था, बीजेपी वालों ने भी करा था, और जो सरकार को बीजेपी के लोग भी नहीं मानते हमारे साथ में नहीं है उसके पूरे नॉर्म्स फॉलो करे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अपना तुड़वा में ये कहे जी मैं कानून को मानता हूँ, 10 साल मेरे ट्रैक्टर को हो गए मैं उसको खड़ा करता हूँ, तो हमारा समर्थन तो बीजेपी के लोग भी कर रहे, खाना और राशन में भी भिजवा रहे, आंदोलन में सब पार्टियों के लोग हैं। और जो ये कहते हैं कि हम नहीं है वो अपनी लिस्ट दे दें कि हम मूवमेंट में नहीं है, हम उनको बता देंगे भाई ये आंदोलन में साथ नहीं है, सरकार के साथ में है, ये पक्के बीजेपी के हैं, तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर जिस चीज के है वो सब तोड़े, सरकार को हम कहेंगे ये सब तोड़ो भाई, उनको पहले कानून मानना चाहिए। किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि संगठन मजबूत रखो, आंदोलन जारी रखो अपने, बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा, ये संदेश। हमारे साथ राकेश टिकैत कैमरामैन कृष्ण के साथ, मैं सतीश, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो ये आपने सुना राकेश टिकैत को, जिन्होंने इंडिया वॉइस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करके आंदोलन के बारे में भी बताया। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान सामने आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से सपा को ही कर रहे बर्बाद, बाद में अखिलेश कहेंगे कि स्वामी प्रसाद बीजेपी के एजेंट बनकर आए थे, सपा को बर्बाद करके चले गए। इस वक्त बीजेपी के नेता राधा मोहन का बड़ा बयान सामने आ रहा है जहां उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से अपनी ही पार्टी सपा को बर्बाद कर रहे हैं और बाद में अखिलेश कहेंगे कि स्वामी प्रसाद बीजेपी के एजेंट बन के आए थे। मिजोरम में हमारी सरकार नहीं बनेगी, बाकी चारों प्रांतों में हमारी सरकार बनने जा रही है।
राजस्थान में भी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी और तेलंगाना की जो स्थिति दिख रही है, जो भी सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार होगी। मैं कह सकता हूँ हमारी संख्या इतनी अधिक बढ़ने वाली है कि बिना हमारे तेलंगाना में सरकार नहीं बनने वाली है। बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां गोपा मऊ से बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का विवादित बयान सामने आया। टीम इंडिया की हार पर बोले बीजेपी विधायक, आज के भगवान धाम वाले कहां हैं? हर भारतीय ने देवी देवताओं से जीत की प्रार्थना की थी, भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की थी। अगर कहीं भारत में देवी देवता होते तो क्या हारने देते? बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी एमएलए का विवादित बयान सामने आया है। टीम इंडिया के हार पर बीजेपी विधायक बोले कि अगर देवी देवता होते तो क्या टीम इंडिया को हारने देते। विवादित बयान देकर फंस चुके हैं बीजेपी के नेता। आपको बता दें उन्होंने भगवान पर बयान दिया है, कहा है आज के भगवान धाम वाले नहीं रहे हैं। हर भारतीयों ने देवी देवता से टीम की जीत के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अगर भारत में देवी देवता या भगवान होते तो क्या टीम इंडिया को हारने देते। आज कहां गए भगवान? बिहार के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग के साथ शोषण किया। 4 साल से युवक नाबालिग को वीडियो का डर दिखाकर शोषण कर रहा था, जिसके बाद शादी का झांसा देकर नाबालिग की हत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को शादी करने के लिए अपने घर ले गया था, जहां उसके परिवार वालों ने लड़की को प्रताड़ित कर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी सूझबूझ से वहां से बाहर निकल आई और अपनी मां के साथ जाकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं की है और ना ही कोई कार्रवाई की है। तब लड़का ले गया, उसकी मम्मी पापा को सब पता था, 4 रोज रखा, जिस रोज ले गया उस रोज मेरे साथ सब कुछ किया, उसके बाद रखा भी, तो उसके बाद मम्मी उसकी बोली कि नहीं अब नहीं रखेंगे, हमको घर से निकाल दिया सबको, फिर भी हम वहाँ से नहीं आए, तो पुलिस आया हमको ज़बरदस्ती घर पे छोड़ा, और उसके बाद घर पे छोड़ने के बाद उसकी मम्मी हमको फ़ोन की कि अब पुलिस चला गया तुम फिर से आ जाओ, तो मतलब हम बोले हम नहीं आएंगे, खुला मंगा के रखी थी खुला के पास। किसके यहाँ कौन आपके साथ जो है ऐसा किया? मेरे साथ चांद खान किया, उसकी मम्मी और उसका पापा जहांगीर खान। चांद क्या किया, कितने दिन से आपका दैहिक शोषण कर रहा था? 4 साल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेरणा कुमारी। घर? घर खोड़िया में सर। कौन थाना हुआ? थाना त्रिवेणीगंज। जो आपके साथ घटना किया है उसका क्या नाम हुआ? उसका नाम चांद खान है। पिताजी का नाम? जहांगीर खान। किस थाना में पड़ता है वो? इसलिए हम नहीं थे, हम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में थे और ये लोग को बोल रही 4 साल से हमको ये था वो था, लड़का धमकी दे रहा था इसको, फिर हमको पता चला हॉस्पिटल में जो लड़की भाग गई, लड़का लेके चले गया है, फिर हम लोग आए तो फिर 4 दिन तो लड़की वही थी, उसके बाद उसका पापा वापा बोल रहा है शादी नहीं करेगा, हम तो यही बोल रहे हैं जब मेरा बेटी का इज्जत ही उड़ गया पूरा पंचायत समाज में, तो फिर उसको रख के हम करेंगे क्या? उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको शादी करना चाहिए, फिर वो जाएगी कहाँ? वो हम तो यही चाहते हैं। कौन था लड़का, किसका लड़का था? वही चांद खान है। किसका लड़का है? जाहिर खान का। कहाँ का रहने वाला है? वो तो दुबिया ही का रहने वाला है। कौन थाना में पड़ता है? पिपरा थाना में। आप लोग न्याय नहीं मिला इसलिए? हम लोग को न्याय नहीं मिला है, कल हम बाबू के पास हॉस्पिटल में थे, उसके बाद हमको पिपरा थाना का पुलिस फोन किया जो आप अपना बच्ची को ले जाइए यहाँ सेफ नहीं है, तो हम बोले हम क्यों रखेंगे बच्ची को, हम उसका रिक्स थोड़े ले सकते हैं, कुछ कर लेगी तो फिर हम क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं कर लेगी आप उसको रखिए,
फिर लड़की को लाया गया घर, घर लाया गया, फिर वो सबका वीडियो बनाया, फिर वो चला गया। चला जाने के बाद ये लड़की को उसकी मम्मी 1 बजे रात को फ़ोन की, इसको बोले तुम अभी कहीं नहीं जाएगी, जब तुमको जो घर पे रख दिया तुम कहीं मत जाओ। तो बोली नहीं, उसकी मम्मी ना वहाँ पे बैठी है, हमको बोली तुमको आओ, हम तुमको शादी कराएंगे। फिर ये लड़की तो जा रही थी, हम लोग कुछ दूर चले भी गए थे उसको लाने के लिए, हम लोग को पता चला जो गुंडा को लेके वहाँ पे खड़ी है, तो फिर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग ले आए, लेकिन वो चल जाती तो उसको मार दिया जाता, इसलिए हम नहीं थे, हम बच्ची को लेके हॉस्पिटल में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, शादी का झांसा देकर सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया लड़की के साथ, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, यहाँ जो है जो सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरिया मिशन की एक क्रिश्चियन लड़की है जो नाबालिग है, उसके साथ 4 वर्षों से दैहिक शोषण किया गया जी। और उसे शादी का झांसा दे करके अपने घर पर भी बुला लिया, 4 दिन तक घर पर भी रखा, और 4 दिन के बाद इसे हत्या करने का प्रयास किया गया। तो देर रात पिपरा पुलिस के वहां पहुंचने के बाद इस लड़की को फिर उनके घर पर पहुंचा दिया गया, लेकिन उनके परिजनों द्वारा और कुछ खास लोग हैं जिनके द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जबकि 4 वर्षों से लगातार इनका इस नवाली लड़की का दैहिक शोषण कर रहा है और ये थाने थाने भटक रही है, अभी तक इनकी FIR दर्ज नहीं की गई है। मामले पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है या फिर अभी मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है, आवेदन हालांकि त्रिवेणीगंज थाना में दे दिया है, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। माँ बेटी क्या गुहार लगा रही है, क्या चाहती है कि क्या कार्यवाही होनी चाहिए? इनको न्याय मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसा वो लोग वहाँ जो है सो बराबर ऐसे घटना घटते रहता है, इससे पूर्व भी एक क्रिश्चियन लड़की के साथ ऐसा ही घटना किया है जी, उनके साथ शादी करके रख लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस को, तब तक के लिए नमस्कार।